दोस्तों नमस्कार सत श्री अकाल। असं आयुर्वेद केयर सेंटर चंडीगढ़ तो बोल रहे हैं। बार बार दस रहे हैं, अच्छा फील होंदा है कि असी गुरुकुल हरिद्वार तो पास आउट हैं। परमात्मा दे मनन हार है, मनदे हैं, लोगों नूं भी परमात्मा दे नाल एहसास करवाते हैं कि हाँ रब किस तरीके का थानू मिलता है। अज मैं थानू जिहड़े अपने मरीजों ने मिलवाण लग्या, तुसीं आप अचंभा मनोगे कि परमात्मा की कृपा दुख लोग कितने कितने तक सफ़र करते हैं। ये सरदार हरपाल सिंह जी ने, इन्होंने बेटे ने तीर्थ सिंह जी। ये साढ़े को गंगा नगर तो अगे कोई पदमपुर है, जो इन्होंने दसन के मुताबिक है, उत्थे भी अगे इन्हों का एरिया पैंदा, चक उधर कुछ इस तरीके के पिंड पैंदे ने, मैं नहीं जानता। ये बेचारे ने साड़ी यूट्यूब सुनी जां किसी के मित्र सज्जन के कहे तो साढ़े को आए थे दो महीने पहले। एक बारी आके गए दवाई, तो दूजी बारी असी इन्होंने दवाई गोली भी की, तीजी बारी दवाई लैन वास्ते कि आप आए से बुलाया से कि सानू पता तो लगे अं पैसे कि गलते दे रहे हैं, साडा हाल की है। वो हम जो हाल हैगा वो ये दोनों पिता पुत्र अपने दसणगे तुहानू। हरपाल सिंह जी, हाँ जी, जो महाराज की कृपा अपनी जिंदगी चंगी जी चंगे उत्थे तुसीं मेहनत करते हैं, बिल्कुल जी, राजस्थान जिड्डा मर्जी वड्डा पर पंजाबियों का आबाद किया वा। हाँ जी, ठीक, हाँ जी। ये संयोग इस जन्म का कि थोनू रोग होया, तुसी उधर इलाज करा के साढ़े वाल आए। हूँ महाराज जानता होगा कि अपन दोनों एक दूजे ने नहीं लगता भी साड़ी मुलाकात कोई एड्डी मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। परिवारिक टाइप साड़ी डॉक्टरी साढ़े ना, जो थानू तकलीफ सी वो तो जो थानू आराम है, ये समाज बेचारा बड़ी देखता है कि किसी पास कोई रोशनी की किरण आवे। क्यों जिदा थानू तकलीफ डॉक्टर ने दसी से इदा सारी दुनिया बेचारी इस वे परेशान है। बिल्कुल, इस करके असं चाहते कि सतगुर जो किसी का भला हों हो जाए। ठीक, तीर सिंह जी तुम समझते हर गल, अपने फैमिली से चंगे क्वालिफाइड है, नैगेटिव टू द पॉइंट से समाज में एक अपना मैसेज दो कि आप हाल है। सत श्री अकाल सारा, असं गंगानगर राजस्थान पदमपुर पिंड तैनारी जी तो इतने चंडीगढ़ असं आने तो पहला एक फेसबुक से वीडियो देखा सीगा डॉक्टर साहब का, तो उतों सूँ पता लग्या भी हार्ट के मतलब स्टंट एंड बाईपास सर्जरी तो बिना भी कोई इलाज है ही है। फिर असं इन्हों फोन किया, गल की, सानू कुछ विश्वास होया इन्होंने गलों पर, क्योंकि आपां कितें भी जाने आपां नूं कुछ ना कुछ कितें ना कितें विश्वास करके ही तुरना पैंदा, चाहे आपां स्टंट करवा रहे हैं चाहे आपां बाईपास सर्जरी करवा रहे हैं। तो सानूं कई बंदे ने सजेशन किया सी भी तुसीं स्टंट ना पवाओ, बाईपास सर्जरी कराओ। डॉक्टर भी सानूं इही सलाह दे रहे सीगे, ओह भी इमीजिएटली सलाह दे रहे सीगे। फिर असीं जो जो डॉक्टर साहब का वीडियो देखिया तो इन्हां ने गल की, सानूं इन्हां ते विश्वास बणिया। फिर असीं आए इन्हां कोल, फिर उस तों उपरंत असीं दवाई जिद्दां लई दवाई चली तो सानू काफ़ी हद तक फर्क लग्या एक महीने दवाई खाने तो बाद। फिर असी दूसरे महीने दवाई कोरियर राय मंगवाई, तो अज पापा बहुत मतलब बेस्ट आ, कह सकते हैं भी 70% मतलब इन्हों आराम है। तो जो मैं पहली बार इन्हों नहीं लैके आया सीगा ट्रेन पर लैके आए, जलों तो जो ट्रेन फाटक वाली पौड़ियाँ भी चढ़ते इन्हों का साथ होता सीगा, तो मतलब एक हार्ट अटैक एक झटका भी इन्हों आ गया सीगा। तो वह चीज़ा अज जिदा हम असं पहुंचे हैं, तो मेरे तो अगे ये पौड़ियाँ चढ़ के मतलब सारा इन्होंने प्लेटफॉर्म जरा क्रॉस किया है, तो बहुत ही बेस्ट है। तो कोई ठगी फरेब कोई इदा कुछ भी नहीं, जो भी है थोड़े सामने है बिल्कुल बिल्कुल मित्रता मित्रता के हिसाब न ही मतलब डॉक्टर साहब जो दवाई पाते हैं हरेक पेशेंट को, ना कि असी दूरों आए हैं उन्होंने नहीं, जो भी पेशेंट इतने आता चाहे लोकल है चाहे कितों भी आ रहा, बहुत ही वधिया तरीके प्यार दवाई करवाते हैं। दोस्तों ये परमात्मा की कृपा ना, चंगे परिवार ने, तुसी आप सोचो कि उत्थों आन जान के किराए भाड़े पहले गड्डी चाहे सके, फिर साढ़े भी पैसे चंगे भले लगते सी मुकरते नहीं है। मैंने सिर्फ साढ़े नाल जुड़ के एक एहसास होंदा कि हे मालिक मैंने इस जन्म दे तू सेवा बख्शी है, पढ़ाई मेरी हरिद्वार गुरुकुल दी है, संतां नूं रह लिया वा, मैं बड़ा ही माण होंदा इस चीज़ का कि परमात्मा मैनूं नाल इक सबर दिता वा। मैनूं इन्हां दे नाल कदी ये फील नहीं आता है कि भी मेरे मरीज ना, परमात्मा जानता शायद मेरे कई पुराने मित्र सज्जन बुजुर्ग मेरे नाल मतलब बैठे ने, इस तरीके करके जो थोड़े नाल मैं जुड़दा करदा गा, होर भी मेरी वीडियो आती रहिंदियां,
ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।